तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सलो आई हो कि आप सलो अच्छे होंगे। वैसे आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। ये है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस मैं बता दूं कि ये वाला सर्वाइवल सीरीज पे मैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग पे खेलता था, लेकिन वर्ल्ड को ट्रांसफर करके मैं माइनक्राफ्ट पीई में लेके आ चुका हूँ। तो आपसे मैं माइनक्राफ्ट पीई में खेलूंगा ये वाला सर्वाइवल सीरीज, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन ये तो बोल देती कि आज हम लोग क्या बनेंगे। तो गाइस आज हम लोग एक बार्म हाउस को बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल पशु पक्षियों के लिए होने वाली है। लेकिन हमारे लिए तो एक घर है, लेकिन उनके लिए एक घर नहीं है। मैंने सोचा कि उनके लिए एक घर बना दिया। चलो तो बिना टाइम उसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखो कि मैंने सिल्क को कलरिंग किया है। तो ये दिखाने के लिए मेरे को आर्मर को पहनना पड़ेगा, तो आर्मर भी पहन लिया। और ये देखो मैं बैठ रहा हूँ, देखो सिल्क को कलरिंग किया और रेड डाई और ब्लू डाई से मैंने मिला के ये वाला कलर कर दिया। तो ये बहुत ही आसान है और कर सकते हो आप लोग भी। तो मैंने कर दिया और बिना टाइम इसका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इधर देखो कि मैंने इधर इतना खुला मेला सा एरिया बना लिया इसको बनाने के लिए। तो देखो इधर मेरे दो तीन घर था, उसको हटा दिया और हटा के फ्लैट जगह बना लिया। तो इधर अच्छा लग रहा है अभी दिखने में। तो अभी नीचे चलते हैं और अभी बारिश हो रहा है और रात भी होने वाली है, सो के जाते हैं, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। और आप लोग इधर देखो कि कितना सारा नल्ला विलेजर हमारे घर में जन्म लिया है। मतलब इन लोगों को इधर एक साल रखा तो इन लोगों के नल्ला विलेजर आया गया। जैसे तो तीन नल्ला विलेजर है। तो ये जब सुबह हो जाती है तो इन लोग बेड के नीचे सोया पड़ा रहता है, तब दिखने में मेरे को अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं इन लोगों को नहीं मारता, इन लोगों को रहने देते। जब विलेजर हॉल बनाएंगे इनको मार देंगे, और दो विलेजर से मेरा काम हो जाएगा तो इनको मारना पड़ेगा ना। तो इतना सारा विलेजर लेके मैं क्या करूँ। तो उन लोगों का ब्रीडिंग करा देंगे और बच्चा जन्म देंगे। और आप लोग इधर देखोगे मैंने इधर बहुत सारा टॉर्च लगाया। तो अभी इधर से देखो अच्छे से दिख रहा है कि मैंने कितना सारा घर तोड़ा है। तो इधर से आप लोग अच्छे से दिख गया होगा। तो अभी नीचे जाके सोते, अभी तक भी रात नहीं हुआ, तो अभी रात होने वाली है। क्योंकि इधर विलेजर लोग सो रहे हैं तो हम भी सो जाएंगे, इधर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही सो जाएंगे। तो अभी मैं इधर सो जाता हूँ, अभी सुबह हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो अभी सुबह हो गया है। तो देखो इन लोग ये नल्ला विलेजर दिन में आके सो जाएगा। हाँ देखो देखो दो विलेजर अभी सो गया। ये नल्ला जो विलेजर है दिन में सो जाता है, तो इनको सोने देते हैं। हम लोग चलते हैं इधर से। और मेरे को पता नहीं है, गलती से हीट लग जाता है, क्योंकि मैं न्यू सेटिंग में खेल रहा हूँ तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले थोड़ा गड़बड़ होगा, तो खेलते टाइम सही हो जाएगा। तो इधर मैं बार्म हाउस बनाने वाला हूँ। तो इधर देखो ये चेस्ट में मैंने सामान रख दिया, इधर बहुत सारा सामान है, वुड वगैरह बहुत ज़्यादा है, इधर रख दिया मैंने। देखो ये न्यू जो चेरी ब्लॉसम बाइंग का वुड है, ये मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए इसको यूज़ करता हूँ मैं। तो इनको लेके बनाएंगे, तो बिना टाइम इसके इनको इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने बैरल बना लिया बहुत सारा, जितना मेरे को चाहिए। तो मैंने वुड से बहुत सारा बैरल बना लिया, अभी इनको जम करके लगाना है मेरे को। तो देख लेते हैं कि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे बना ले वालू, मेरे मन में जैसे आता है मैं वैसे ही बना लूँगा। तो अभी इधर से गिन लेता हूँ, तीन चार और ये पाँच ये छः। तो इधर लगा देता हूँ पाँच पाँच ब्लॉक गैप करके। तो मेरे को मैं पहले से बता देता हूँ कि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे बना ले वालू। तो जैसे मेरे को लगेगा ऐसे इसको बनाना चाहिए तो ऐसे बना लेंगे। तो इसको बैरल लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। A few moments later. तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो, मैंने इधर बहुत सारा बैरल लगा के इधर एक परफेक्ट एरिया बना लिया, जहाँ पे मैंने इसको बनाऊंगा। तो अभी मेरे को ये फेंस गेट लगाना है, तो इनको ये बैरल के साथ कनेक्ट करना है मेरे को, मतलब सारे बैरल के साथ कनेक्ट करना है। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी और भी फेंस गेट लगाना है मेरे को। और ये सीप को देखो, ये पहले से इसके अंदर जाने के लिए रेडी है, तो इसको जाने देते हैं। और अभी मेरे को और भी फेंस गेट लगाना है, तो अभी इनको भी लगा देते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसको इधर रूट को ऐसे लगा देते हैं, मतलब इसको बैरल के ऊपर मेरे को पिलर बनाना है। तो ये पिलर बनाने के लिए मैं ये वाला रूट को यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस मैं पहले से बता देता हूँ कि इसको ऊपर एक छत भी बनने वाला है, तो उसके लिए मैं वो चेरी ब्लॉसम बायो का वो वाला वुड यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये सब पिलर को बना लेता हूँ फटाक से, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। 5 minutes later. तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो अभी अच्छा दिख रहा है शायद से, मेरे को लगता है कि अच्छा बनने वाला है ये। तो अभी मेरे को इसको ऊपर जाना है और वो जो न्यू वाला चेरी ब्लॉसम बॉय का यूड है उसको लगाना है। तो इधर से मैं ऊपर चलता हूँ, तो ऊपर जाके वो चेरी ब्लॉसम बॉय का यूड को लगाना है मेरे को, मतलब घुमा के लगाना है ऐसे। देखता हूँ कि कैसे लगाना चाहिए मेरे को। अरे ऐसा नहीं लगाना चाहिए, उसको फिर से तोड़ के लगा हूँ तो सही लग सकता है। तो ऐसा जैसा भी लगे उसको पहले इधर से लगा देते हैं, उसके बाद उधर जाके सही करके लगा दूंगा। तो पहले मैं इधर से लगा देता हूँ, इसको इधर घुमा के लगाना है मेरे को। तो गाइस मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ तो सही रहेगा, क्योंकि मेरे को बनाते टाइम दिखाने पे मेरे को दिक्कत आ रही है। तो पहले पे बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो मैंने इधर दो साइड लगा के कंप्लीट कर दिया, सिर्फ ये बीच में लगाना बाकी है। तो इसको भी लगा देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो अभी बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अच्छा दिख रहा है शायद से, मेरे को तो लग रहा है। तो आप लोग को क्या कैसा लग रहा है कमेंट पे बताना। और ये पूरा बनने के बाद आप लोग को इसको 10 में से कितना देने वाले हो वो भी कमेंट को बता के जाना, तो मेरे को अच्छा लगता है कमेंट करने पे। तो आप लोग वो भी कर लेना उसको। पहले इसको मैं लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी बनने के बाद कुछ अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, आप लोग इधर देख सकते हो। और अभी मेरे को ऊँट का जो एक्स है, मतलब ऊँट से जो उसका जो छाल है उसको अलग करना है मेरे को। तो ये एक्स लेके ऐसे दबाने के बाद ये हो जाता है ऐसे, तो इससे अच्छा दिखता है। तो ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी ये सब करने के बाद कुछ आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी रात भी होने वाली है और ये सनसेट आप लोग देख लो, अच्छा लग रहा है। अभी इधर सो जाते हैं तो सनसेट भी हो रहा है, अभी सो भी जाते हैं तो अभी सुबह भी हो जाएगा, तो फिर से काम पे लग जाएंगे। तो गाइस अभी मेरे को इधर से ऊपर जाना है, ऊपर जाके वो लैडर लगाना है मेरे को। ऐसे करके कैसे लगाना है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो उधर पर पहले एक टेम्पररी ब्लॉक लगा देता हूँ, तो लगाने पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसे देख सकते हो ऐसे लगाना है। तो ऐसे दो साइड मेरे को करना है, मैं ऐसे एक साइड कर लेता हूँ और दो साइड करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई देख सकते हो ये दो साइड हो गया। अभी नीचे जाके मेरे को चेक करना है कि ये कैसा दिख रहा है। तो अभी इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर से तोड़ के नीचे चलता हूँ तो डैमेज नहीं पड़ेगा। तो आप लोग रेडी होना कैसे दिख रहा है देखने के लिए। तो गाइस देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अभी मैं बता देता हूँ कि ये पूरा आधा से ज़्यादा कंप्लीट होने के बाद आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो अभी मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए मैं आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं बता देता हूँ कि ये पहले से बहुत ज़्यादा मैंने इसको बदल दिया। तो अभी अंदर जाने के बाद देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे मैंने ऊपर से करा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो सही लग रहा है। आप लोग भी बताओ कि आप लोग को भी कैसे लग रहा है। देख सकते हो अंदर से तो अच्छा लग रहा है, अभी मेरे को ऊपर से बहुत ज़्यादा काम करना है। तो गाइस मैं इसको अभी 99.99% कंप्लीट करने के बाद आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो रेडी रहना उसके लिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। 75 years later. तो गाइस पूरा अभी 99% मतलब 99.99% कंप्लीट है। तो गाइस देखने के लिए रेडी होना। तो गाइस लेट्स गो, देखो ये कैसे लग रहा है आप लोग भी बताओ। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, और इसको आप लोग 10 में से कितना दोगे वो भी कमेंट पे बताओ। और मैं अभी इसका अंदर लेके जाने वाला हूँ आप लोगों को। तो अभी इधर से निकलते हैं और अभी इधर चलते हैं। तो आप लोग ही कमेंट पे कर देना और 10 में से कितना दोगे आप लोग बताओ। तो देख सकते हो इधर मैंने दरवाज़ा लगा दिया ऊँट का, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अच्छा दिख रहा है शायद, मेरे को तो लग रहा है कि अच्छा होगा। तो आप लोगों का ओपिनियन कमेंट पे बताओ, 10 में से कितना दोगे इसको। तो ऊपर मैंने एक छोटा सा लंबा वाला रूम बना दिया। तो गाइस मैं बता दूं कि इधर जो जानवर को खिलाने के लिए, मतलब कि बकरी और गाय वगैरह को खिलाने के लिए जो सामान चाहिए इधर वो रहने वाली है। तो अभी मैं इधर से नीचे चलता हूँ और जानवर को अंदर लेके आता हूँ। तो गाइस मैं इधर लैडर लगा दिया, तो इधर दो साइड में लगा दिया तो जाने में दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस बार्न हब्स का पहला प्राणी है ये हॉर्स।
तो इसको मैंने पहले से इधर बांध के रखा था, तो इधर इसको लेके चलते हैं रस्सी से। तो ये मेरा बार्नहाउस का पहला प्राणी है, तो इसको लेके उधर उधर बांधना पड़ेगा। नहीं तो इसको अंदर घुसा लेता हूँ और बाकी सारे प्राणियों को इधर अंदर लेके आने वाला हूँ मैं। तो गाइस इधर मैं 3 घोड़े को लेके अंदर इधर बंद कर दिया हूँ और अंदर उसको रस्सी से बांध दिया हूँ, तो ये निकलने नहीं वाला। तो देख सकते हो अभी मेरे को वो बकरी लेके आना है, यानी कि भेड़े, और इधर गाय भी है। इधर पहले से बंद पड़ा हुआ था ये विलेज में, तो इसको खोलते हैं और ये दिखा के लेके चलते हैं इन लोगों को। A few moments later. तो गाइस इधर मैं बहुत सारे प्राणियों का अंदर लेके इधर बंद कर दिया हूँ। देख सकते हो पहले वाले सेक्शन पे वो भेड़ी है, मतलब हॉर्स है, और इधर गाय है। तो इन लोगों का ब्रीडिंग कराना पड़ेगा। अरे भाई एक बच्चा निकल गया, जा जा तेरे को आज़ाद कर दिया, तू निकल जा इधर से। और इधर वो चिकन लेके आना पड़ेगा मेरे को, तो ये मैं बाद में कर लूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। तो अभी ये बार्न हाउस हम लोग बना लिया, तो अभी इसके बाद वाले पार्ट पे हम लोग सोच रहे हैं कि आयरन फार्म को बनाएं। तो या आयरन फार्म बनाए या क्या बनाए आप लोग कमेंट करना, तो वही हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट करना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो वो भी कर लेना, और वीडियो को एंड तक देख रही हो तो लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि ये बार्न हाउस पे हम लोग 10 में से कितना देने वाले हो। देखो पास में चिकन भी घूम रहा है, इसको अंदर भी लेके जाने वाला हूँ अभी मैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।